सब्सक्राइब कीजिए विशाल यूनिक टेक्निक को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं विशाल यूनिक टेक्निक्स। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपको अपने गूगल अकाउंट को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने गूगल अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, उसके सारे सर्विसेज को भी डिलीट कर सकते हैं। किस तरह से डिलीट करते हैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा मैं, किस तरह से आप प्रैक्टिकली भी बताऊंगा मैं किस तरह से आप गूगल अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अनवांटेड ईमेल और ऐसे ईमेल से परेशान रहते होंगे, जो बहुत सारे ईमेल्स आपको किसी भी कंपनी की तरफ से या किसी ऐसे फर्म की तरफ से आ रहे हैं कि वो आपको चाहिए नहीं, और उस ईमेल आईडी आपका कोई भी एक ईमेल आईडी है जो बेकार पड़ा हुआ है। और ऐसे भी होता है एक नंबर से आपने बहुत सारी ईमेल आईडी खोल रखी है पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहते हैं कि उसे डिलीट करें पर आपको पता नहीं है कि किस तरह से गूगल अकाउंट को डिलीट किया जाता। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए है, आपको किस तरह से गूगल अकाउंट को डिलीट करना है पर्टिकुलर मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा किस तरह से आपको गूगल अकाउंट को डिलीट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो जब तो शुरू करते हैं, आप हमारे चैनल के अगर नए विजिटर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगी, हमारे लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए सबसे पहले हमारे बेल आइकन को दबा लें और दोस्तों लाइक और शेयर दोस्तों में कर दें। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, आपको बता देते हैं किस तरह से आपको गूगल अकाउंट को डिलीट करनी है। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों, सबसे पहले चलना है आपको किसी भी ब्राउजर पे, मतलब आप किसी भी क्रोम या यूसी वगैरह पे जा सकते हैं। मैंने गूगल का ही एक ब्राउजर ओपन कर लिया है, यहाँ पे मैंने आपको टाइप करनी है माय अकाउंट गूगल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको टाइप करनी है माय अकाउंट या माय गूगल अकाउंट या माय गूगल अकाउंट, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने को साइन इन कर लेनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं साइन इन हो चुका है, अगर आप यहाँ पे साइन इन नहीं है तो यहाँ से आप डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे साइन इन कर चुका हूँ मैं। करने के बाद यहाँ पे जाना है आपको सबसे पहले बॉटम में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेंगी अकाउंट प्रेफरेंसेस में। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, पेमेंट्स, परचेज, लैंग्वेजेस, एक्सेसिबिलिटीज, गूगल ड्राइव और डिलीट योर अकाउंट के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगी, पर हमको तो करना है दोस्तों डिलीट योर अकाउंट और सर्विसेज। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं गूगल योर अकाउंट और सर्विसेज में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे गूगल प्रोडक्ट और डिलीट योर गूगल एंड डेटा, मतलब इसका मतलब ये होता है दोस्तों, गूगल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई ब्लॉगर हैं या यूट्यूब का चैनल आपने क्रिएट किया हुआ है, गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट, गूगल एक गूगल फर्म ही नहीं है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो गूगल से रिलेटेड हैं, जैसे गूगल प्लस, यूट्यूब चैनल, गूगल ब्लॉग, गूगल कंट्रोल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे गूगल इमेज प्रेफरेंसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यूज कर सकते हैं। तो जो यूज करते हैं वो गूगल प्रोडक्ट्स में आता है दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप गूगल प्ले स्टोर भी यूज करते हैं तो वो भी प्रोडक्ट्स में ही आता है गूगल का। अगर आप उन सब सारी चीज़ों को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट प्रोडक्ट्स में क्लिक करके आप कर सकते हैं। और गूगल डेटा अकाउंट, गूगल डिलीट योर अकाउंट एंड डेटा का मतलब ये होता है कि आप अपने जो गूगल का अकाउंट है उसके सारे सर्विसेज के साथ आपने जितने भी डेटा हैं आपके, जैसे जीमेल वगैरह के जितने डेटाज वगैरह होते हैं, उन सभी चीज़ों को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक नया पेज खुल जाएगा, ये वेरीफाई मांगेगा कि ये आप ही का अकाउंट है। जैसे कि मैं यहाँ पर पासवर्ड देने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। वन सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर मेरा पासवर्ड गलत हो चुका है। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जैसे कि खुल गया है मेरा अकाउंट, तो मैंने कौन कौन से सर्विसेज़ को यूज़ की हुई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गूगल पे एंड ऐप डिजिटल कंटेंट को मैंने यूज़ किया, गूगल कॉन्टैक्ट को मैंने यूज़ किया, कैलेंडर को यूज़ किया हुआ है, गूगल चैनल को मैंने यूज़ किया हुआ है, जीमेल को यूज़ किया हुआ है, एडसेंस को यूज़ किया हुआ है, और इतने सारे गूगल के जितने प्रोडक्ट्स हैं उस मैंने सारे प्रोडक्ट्स को यूज किया हुआ। तो दोस्तों आपको अगर डिलीट करना है अपने सारे सर्विसेज और अपने गूगल अकाउंट को भी, तो यहाँ पे आपको डबल टिक करनी है। डबल टिक करने के बाद आपको डिलीट अकाउंट में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप डिलीट अकाउंट में क्लिक करेंगे, आपका जो भी डिलीट अकाउंट होगा जीमेल का वो डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों
आप अगर चाहते हैं कि आपके सारे सर्विसेज और आपके जितने भी डेटाज हैं वो क्लियर हो जाएं जीमेल से, तो आप आराम से इस प्रोसेस को फॉलो करके आराम से अपने जो भी जीमेल अकाउंट है उसे डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों लाइक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक डाला हुआ है, आप अगर हमारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स नहीं हैं तो जाइए वहाँ पे फॉलो करिए। मैं ऐसे ही बहुत सारे अपडेट जो यूट्यूब पे नहीं लाता हूँ बहुत सारे अपडेट वहाँ पे देता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं टेक्नोलॉजी के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।